राज्यसभा के सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कल ग्वालियर के पास अशोकनगर जिले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अग्रवाल गार्डन में सामूहिक रूप से कोरोना से मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के संकट को काबू करने में शिवराज सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और कोरोना ने राज्य सरकार की सारी कमियों को उजागर कर दिया है। आपको बता दें, आगे पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक तरफ सिंधिया जी कह रहे हैं कि उनके डीएनए में सिर्फ समाज सेवा है, तो सिंधिया जी को समाज सेवा ही करनी चाहिए, केंद्र के मंत्री पद की दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार सिंधिया को केंद्र में मंत्री पद भी दे तो सिंधिया जी को साफ साफ मना कर देना चाहिए। वहीं आगे ज्योतिरादित्य से सिंधिया पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सिंधिया को भी अब भाजपा नेताओं की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। जुड़े रहिए एसपीएनआई न्यूज़ से। धन्यवाद।